हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बम्बई स्टाइल का पाव भाजी बना के दिखा रही हूँ। और विंटर्स में इतने तरह की सब्जी आते हैं कि बच्चे फिर ऐसे सब तरह का सब्जी नहीं खाते हैं, तो आप पाव भाजी बना लोगे तो वो सारा सब्जी उनके अंदर चला जाएगा। और तो पाव भाजी बड़ा शौक से भी खाते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज इजी तरीके से पाव भाजी कैसे बन सकता है उसका मैं तरीका आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप इसे बड़े ध्यान से देखना, मैं इसे बड़ा क्विक तरीके से ही आज आपको रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि ये बड़ा यम बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट लिया है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप कटा हुआ प्याज लिया है। टमाटर थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेती हूँ तो 1.5 कप टमाटर लिया है। इसमें मैंने पालक चॉप किया है, ये मेरा कैप्सिकम चॉप्ड है। इसमें मेरा बीन्स, ग्रीन बीन्स इसमें चॉप किया हुआ है। ये मटर है, ये 1 कप मटर लिया है। ये 2 गाजर मैंने बारीक काटा हुआ है। और इसमें पत्ता वाला प्याज है, इसको भी मैंने चॉप किया है। और इसमें धनिया पत्ती है। और गोभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि इसका ही ग्रेवी आपका बनता है। और ये मैं पूरा पाव भाजी बटर से बनाऊंगी। इसमें मैंने 5 रेड चिली साबुत को पानी में सोख कर लिया 1 घंटा पहले, इसको मैं ग्राइंड करूंगी। इसमें मैंने 4-5 कली लहसुन लिया है और 1 टुकड़ा अदरक लिया है। और ये 5-6 मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है, ये भी मैश करके मैं इसमें डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले एक कुकर में ये जो गोभी कटा हुआ है, आप इसे थोड़ा और बड़ा भी काट सकते हैं, थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं, ये सारा गोभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो गाजर है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मटर लिया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मुझे 2 विसल लगाना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। और पानी अंदाज से थोड़ा सा 1/2 ग्लास आप इसमें पानी डाल दें। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब्जी सारे कुछ भी पानी छोड़ते हैं। अब इसे 2 विसल से मुझे इसको बॉईल करना है। अब ये जो लाल मिर्च मैंने सोख किया था इसका पानी आपको नहीं डालना है, तो 5 इसमें लाल मिर्च साबुत डाल रही हूँ। और ये लहसुन और अदरक इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा पानी दे के मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये लाल मिर्ची, लहसुन और अदरक मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये मैं बनाते समय इसमें डालूंगी। अब मेरा सब्जी बॉईल हो गया है और मेरा लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है, तो अब मैं पाव भाजी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। और ये मैं बिल्कुल बटर से ही बनाऊंगी, इसमें ऑयल या कुछ भी नहीं यूज़ करूंगी। तो मैं 2 क्यूब इसमें बटर डाल रही हूँ। और ये जो प्याज कटा हुआ था ये मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ। प्याज जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, तो मैंने ये पत्ता वाला प्याज लिया है, तो ये मैं 1/2 इसमें डालूंगी और 1/2 लास्ट में डालूंगी। और ये जो कैप्सिकम मैंने काटा था इसको आपको बॉईल नहीं करना है, ये मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। और इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब ये थोड़ा रोस्ट हो जाएगा तो ये मैंने जो पेस्ट बनाया था ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें जो भी किनारे लगा हुआ है इसको सारा अच्छे से निकाल के इसको डालना है। और जो मसाला नहीं निकलेगा उस पर आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के निकालेंगे तो सारा मसाला इसमें निकल जाएगा। लहसुन डालते ही इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, तो आप लहसुन जरूर डालना, क्योंकि पाव भाजी में लहसुन की खुशबू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टोमेटो चॉप किया था ये मैं डाल रही हूँ, टोमेटो आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। टोमेटो डालने के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जैसे आप सॉल्ट डालोगे तो वैसे ही इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये टमाटर जल्दी हमारा कुक हो जाएगा। तो 1 टीस्पून मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ। देगी मिर्च से क्या होता है कि मिर्च जितनी होता है कलर इसमें अच्छा आ जाता है। ये बीन्स मैंने बहुत बारीक काटा है, अगर आप मोटा काटेंगे तो बॉयल करने में डालना, मैंने इसको बारीक काटा है तो मैं अब इसमें सारा बीन्स डाल दे रही हूँ। तो ये हमारा टमाटर के साथ ही बीन्स कुक हो जाएगा। जब तक मेरा ये टमाटर गल रहा है
तो ये तब तक मैं इसको काफ़ी अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ये मैंने बॉयल पोटैटो अभी तुरंत बॉयल किया है, तो गर्म गर्म ही आपको इसको मैश करना है। तो आप बनाने से पहले भी इसको मैश करके रख सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छे से मैश करना है। ये जो मैंने सब्जी बॉयल किया था, अब इसको मैं सारा को मैश कर रही हूँ। तो आप ये कुकर में इसको मैश कर लें। अभी टमाटर में ना गल गया है, तो मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा सा मैश कर दूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। तो पाव भाजी मसाला इसमें करीब 2 टीस्पून जाएगा। पाव भाजी मसाला डालते के साथ ही ये मैंने जो मैश किया था सारा वेजीज, ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मैंने पोटैटो मैश किया था, ये मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। मेन इसमें क्या है, आपको सारे सब्जी को एक दूसरे में मिक्स करना है अच्छे से। तो थोड़ा सा बीच बीच में आप मैश करते जाएं और थोड़ा चलाते जाएं। अब इसमें मैं देखी मिर्च और थोड़ा सा मसाला, पाव भाजी मसाला और डालूंगी। तो ये मैं बीच बीच में अपने हिसाब से देख के अंदाज से देखी मिर्च डाल देती हूँ कि कलर कैसा आ रहा है। और पानी डालने से पहले मैं सारा मसाला डाल दूंगी, फिर मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, क्योंकि पाव भाजी थोड़ा सा पतला बनेगा तभी टेस्टी बनेगा। और सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून डाला था, तो 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट और डाल रही हूँ। जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पानी डालने का टाइम आएगा, तब मैं ये पालक जो मैंने कट किया ये मैं लास्ट में डालती हूँ। तो ये पालक मैं 1/2 कप पालक डाल रही हूँ। जो पत्ता वाला प्याज है ये भी लास्ट में मैं डाल रही हूँ, जो मैंने 1/2 रखा था। और 1 क्यूब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। अब 2 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें अंदाज से पानी डालूंगी। तो पानी मैंने बॉइल कर लिया है। पानी डालने के बाद मैं एक बार इसको मैश और कर दूंगी, तो ये अच्छे से और मैश होते जाएगा। क्योंकि आप देख लो, सब्जी थोड़ा सा पूरा मैंने एकदम पेस्ट नहीं बनाया है, तो सब्जी का भी टेस्ट आना चाहिए और थोड़ा सा ये एक दूसरे में मिक्स हुआ हुआ सा भी टेस्ट लगना चाहिए। अच्छे से कोरिएंडर लीव्स डाल दें और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं रख रही हूँ। तो ये मेरा हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस भाजी बन के तैयार है। अब मैं इसको बन सेक के आपको दिखा रही हूँ। बन सेकने के लिए मैंने एक तवा गर्म कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें बटर डाल दूंगी। तो बटर डाल के आपको थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है। और ये जो बन है इसको मैंने बीच से कट कर लिया है और इसको आपको इसके बटर के ऊपर बिल्कुल ऐसे रख के और इसको ज़्यादा आपको प्रेस करके नहीं रोस्ट करना है। पाव भाजी में बहुत लोग हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मुझे हल्दी डाला हुआ पाव भाजी में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो आप अगर इस टेस्ट का चाहते हैं तो आप हल्दी नहीं डालना और इसको बड़ा अच्छे से रोस्ट करके इसको, तब आप रेड रेड इसको रोस्ट करके तब आपको इसको सर्व करना। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये पाव भाजी? ऐसा लग रहा है क्या कि मैं इसे खाऊं? और आज मैं आपको बताती हूँ, आज तो मेरी फ्रेंड्स भी आ रही है इसे टेस्ट करने के लिए। तो मैं जब वो टेस्ट करेंगी तब मैं बताऊंगी कि उन्हें ये पाव भाजी कैसा लगा, तो आपको थोड़ा सा फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए मैं अब इसका प्लेटिंग करती हूँ। इसका प्लेटिंग करने के लिए मैंने ये बन सेक लिया है और इसमें भाजी डाल के ऊपर से बटर डाल दिया है। और ये जब आप खाने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर ले। और ये मैंने प्याज और ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती डाला है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन के साथ आप खाएंगे तो इसे बड़ा मजा आएगा विंटर्स में, और इसमें सारे सब्जी भी आ जाते हैं। ओहो, देखो आज मेरी फ्रेंड्स लोग आई है पाव भाजी टेस्ट करने। लो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। यम्मी, वाह वाह, मैं ये बन के साथ खाओ। बन के साथ आप लोगों को पानी आ रहा है क्या? देखिए हमारी टर्न आएगी अभी। हां, आप लोग की टर्न आएगी। ये विमल भाभी है, आप ये टेस्ट करके बताएंगे कि इन्हें कैसा लगा। ड्यूटी तारीफ नहीं करना। नहीं, बहुत टेस्टी है।
तो आज हमारी फ्रेंड आई है अलका भाभी, ममता भाभी, विमल भाभी, इनका फीडबैक मिलेगा तो आपको भी पता चलेगा कि ये पाव भाजी वाकई में कैसा बना है। तो बताओ कैसा लगा? बहुत टेस्टी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।